गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट ईवीएस। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, द अर्थ। द अर्थ में हमने अर्थ के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ पढ़ा हमने। उसमें हमने ये पढ़ा कि अर्थ के पार्ट्स कौन से, क्रस्ट मैटर कोर इनसाइड द अर्थ, के हम माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, अर्थ कोई क्या है, वॉल्केनो क्या है, वो सब इसमें हमने, मूवमेंट ऑफ अर्थ डे एंड नाइट्स कैसे बनते हैं, द अर्थ स्पिन कैसे। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि सीजन्स क्या होते हैं। Why the earth spins on its axis? It also moves around the sun. जैसे अर्थ कैसे अपने स्पिन के इर्द गिर्द घूमता है, वैसे ही अर्थ सन के इर्द गिर्द भी घूमता है। The part in which the earth travels around the sun, the part in which the earth travels around the sun is oval in shape. जैसे part जो अर्थ के अराउंड गिर्द घूमता है वो ओवल शेप का होता है। The movement of the earth around the sun is called revolution. जो movement of the earth जो sun कैसे, उसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्वेशन बोलते हैं उसको। द अर्थ टेक्स, अर्थ टेक्स 365 डेज और वन बाई फोर डेज टू कम्प्लीट ऑफ वन रिवॉल्यूशन। अर्थ को क्या कितने घंटे लगते हैं, 306 एंड 1/4 डेज को कम्प्लीट करते हैं, वन रिवॉल्यूशन कम्प्लीट करने में लगता है अर्थ के, सन को, अर्थ को सन के राउंड कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द सोलर ईयर, उसको बोलते हैं सोलर ईयर। Seasons are caused by the tilt of the earth's axis and revolution of the earth around the sun. इसी से हम seasons बनते हैं। The sun rays fall directly on the equator throughout the year. जो sun rays है जो equator पर directly पड़ती है पूरे साल भर, तो वहाँ पे एक therefore days and nights are equal at the equator. उसके हिसाब से दिन और रात equator के पास बराबर होते हैं। The part receives the same amount of sunlight all over all year round. It has summer. जो sun round जिसको sun year receive sun for year परसी, वो जो सनलाइट रिसीव करता है उस वहाँ पर क्या होता है, समर, जो थ्रू आउट द ईयर उसको जॉब करता है, समर राउंड द ईयर उस पर समर होता है। डेज एंड नाइट्स आर ऑफ ऑफ द 12 आवर्स, तो इसमें क्या डेज एंड नाइट्स के होते हैं 12 आवर्स के होते हैं। एज द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व करते हैं सन के अंदर, द सीजन गो ऑन चेंजिंग एंड वी गेट फोर, जैसे सन राउंड करता है वैसे हमें सीजन बनते हैं, हमें चेंज, कौन कौन सीजन, समर बनता है, विंटर बनता है, स्प्रिंग बनता है और ऑटम बनता है। द फैक्टर्स, जो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं काज और सीजन के, वो होते हैं द टिलिट एक्सिस ऑफ द अर्थ एंड द रिवॉल्वेशन ऑफ द अर्थ। जो एक्सिस होता है टिलिट एक्सिस ऑफ अर्थ के करते हैं, और जो रिवॉल्वेशन होता है अर्थ के, उससे हमारे क्या बनते हैं, सीजन्स बनते हैं। इफेक्ट्स ऑफ सीजन्स ऑन लाइफ, जो इफेक्ट सीजन्स है उसके क्या क्या इफेक्ट्स हमारे जिंदगी पे क्या क्या पड़ते हैं। इन समर व्हेन इट इज़ हॉट आउटसाइड वी डू नॉट लाइक टू गो आउट और ड्यूरिंग द डे टाइम, जब गर्मी होती है हमें उस दिन बाहर निकलने का मन नहीं करता है। द सन इज़ वेरी हॉट इन समर, समर में द सन क्या बहुत गर्म होता है। वी लाइक टू स्पेंड आवर मोर टाइम इंडोर, हमें ज़्यादा टाइम पसंद करता है हम घर में रहें। वी लाइक टू वेयर थिन कॉटन क्लोथ्स विद लाइट कलर बिकॉज दे हेल्प टू कीप द हीट आउटसाइड अवे फ्रॉम आवर बॉडी, हमें क्या पसंद होता है, कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, पतले पतले कपड़े पहन ताकि हमें अंदर हीट ना जाए। वो यूज़ इलेक्ट्रिक फैंस, हम इलेक्ट्रिक फैंस लगाते हैं, डेजर्ट कूलर्स लगाते हैं, एयर कंडीशनर्स लगाते हैं ताकि हमारे घर ठंडे लें। वो आल्सो लाइक टू ड्रिंक, हमें ज़्यादा पसंद क्या होता है, ज़्यादा पानी पीना, शरबत पीना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ये हमें सब चीज़ें पसंद आती है इनमें, पर ठंडी में गर्मियों में। इन विंटर, उस विंटर के ऐसे अपोजिट हम क्या करते हैं, हमें एनर्जेटिक, हम मोर एनर्जेटिक हम फील करते हैं, और गर्मी में हम इतने एनर्जेटिक फील नहीं करते। लाइक टू स्पेंड आवर टाइम, हमें ज़्यादा पसंद करते हैं बाहर खेलना कूदना, क्योंकि वहाँ पे हमें थोड़ी गर्मी आती है, हमें वहाँ पे ज़्यादा पसंद रहना का पसंद करता है। वो यूज़ हमें डार्क क्लोथ्स हम पहनते हैं सर्दियों में, ब्लैंकेट्स लेते हैं, क्यूलेट्स लेते हैं, अदरवाइज दीज क्लोथ्स प्रिवेंट द बॉडी हीट फ्रॉम एस्केप, इसे हमारी बॉडी को जो गर्मी है वो बाहर नहीं निकलती। वो सब चीज़ें हम गर्मियों में, ठंडी में करते हैं, हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, हम नट्स खाते हैं, वो सब चीज़ें हम खाते हैं ताकि हमारी बॉडी हमें गर्म रहे। Like human beings, animals are also affected by season. जैसे हम इंसानों को फर्क पड़ता है वैसे ही animals को भी इफेक्ट होता है सीजन से। Animals which have thick hair or fur can withstand the cold, but others like frogs and snakes burrow themselves undergo so as to keep themselves warm. जो जानवर, जो animals जो होते हैं जिनका फर मोटा होता है वो ये हीट ठंडी बर्दाश्त कर पाते हैं, पर जैसे आधे animals जिनका फर मोटा नहीं होता है, जो frog होता है, snake होता है, जो burrows होते हैं वो अपने बिल में छुप जाते हैं, वो बाहर नहीं निकलते हैं सर देम सेल्व, अपने आप को गर्म रखने के लिए वो बिल में वो छुप जाते हैं। दे अंडरटेक विंटर स्लीप, विंटर स्लीप में मतलब जल जाते हैं, वो अंदर बाहर निकलते नहीं। सम बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम कोल्ड टू वार्मर एरिया, जो आधे बर्ड्स क्या होते हैं जो माइग्रेट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं सीजनों में।
इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सट्रीम कोल्ड, ठंड से बचने के लिए. व्हेन इट बिकम्स वेरी हॉट देन ऑल्सो एनिमल्स हैव टू चेंज डियर वे ऑफ लाइफ. वैसे एनिमल्स भी चेंज करते. वैसे हमें आता है फिर इक्लिप्स कैसे बनते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में. ओके, थैंक यू.